दोस्तों मैंने कल हमारे कोई फिश का जो वाटर था वो भर के रखा था, ठीक है, पूरा ब्लर था यार। अभी आप देख सकते हो, इसे अभी कंप्लीट 7-8 घंटे हो चुके होंगे और ये देखो यार, पूरा पानी शांत हो चुका है। और देखो यार, जो गंदगी वगैरह मतलब जो धूल मिट्टी थी ना, वो सारी नीचे बैठ गई है और थोड़ा पानी भरने की वजह से थोड़ी मिट्टी ऊपर नीचे हो गई है। तो अभी हमें प्लेन कर देना है, ठीक है, फिर हाँ यहाँ पे हमारी फिशें छोड़ने वाले हैं। इसकी मदद से हम ये सारी मिट्टी प्लेन कर देते हैं। नाइस आइडिया ध्रुव, नाइस नाइस नाइस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। ओके हाँ यार, ये तो आइडिया कामयाब हो रहा है। ये देख, अच्छे से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है ना। अभी पूरा प्लेन कर देते, फिर हम यहाँ पे हमारी कोइच छोड़ देंगे। कोइच कहाँ है यार? कोइच ऊपर तिर रखी क्या तूने? हाँ ऊपर ही। ओके ये लो जी, ये अभी पूरा प्लेन हो गया। दोस्तों सबसे पहले मैं हमारी ये वाली जो कोई फिश है ना, ये यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपकी परमिशन हो तो भाई मैं पकड़ सकता हूँ। ये कब का कर रहा है यार? मैंने करके रखा है ना, तूने और ऊपर नीचे कर दिया यार ब्रो। क्या यार, चलो भाई इसकी हेल्प से मैं हमारी मिल्की कोई पकड़ लेता हूँ। चल आजा भाई, आजा आजा आजा, अभी सीधा इसमें आने वाली है और मैंने इसको पकड़ लिया। ओए ओए ले ध्रुव। तो दोस्तों ये है हमारी मिल्की कोई। ओए खतरनाक यार, कितनी अच्छी लग रही है, मैंने सोचा भी नहीं था यार। यहाँ पे नीचे नीचे व्हाइट ग्रेवल्स की वजह से ये दिख नहीं रही थी, यहाँ पे देखो यार कितनी क्लियर दिख रही है। वाह चमक आ रही है, चमक देखना यार, उसकी चमक देख यार। इसी की वजह से इसको मिल्की कोई बोलते हैं भाई, पूरी मिल्क जैसी ग्लो कर रही है यार ये देखो भाई। वाह यार ध्रुव मैं क्या बोलता, पानी देख कितना ऐसा धूल मिट्टी का। ये कुछ नहीं यार, थोड़ा नीचे नीचे उठ जाए। स्पॉन्ज फिल्टर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तुझे पता था पूरा पानी ब्लर था यार, देख मतलब 7-8 घंटे में पूरा क्लीन कर दिया स्पॉन्ज फिल्टर ने। तो भाई तेरे लिए मैं अभी और दोस्त लेके आता हूँ, ठीक है, तुझे अकेला ना महसूस हो तो तू यही पे रहे, 2 मिनट में आता हूँ तेरे और दोस्त लेके। दोस्तों हमारे मैंने कल पेट शॉप से कोई फिशेस लेके आ गया था और मैंने वो हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट कर दी थी जो कि यहाँ पे है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने इनको यहाँ पे रात पे छोड़ दिया था और ये इन पानी पूरा ब्लर कर दिया। यहाँ पे मैंने क्लीन वाटर रखा था, पूरा पानी ब्लर कर दिया। मुझे टेंशन हो रही है यार, ये एक्वेरियम हमारा गंदा ना कर दे, क्योंकि ये वाली जो कोई ना बहुत बड़ी है और ये थोड़ी मीडियम साइज की है। तो ठीक है अभी इनको पकड़ते हैं और नीचे लेके चलते हैं। लो भाई इनको अभी मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो एक कैसे मासूम सी शांत से बैठ गई है। अभी इसके जैसे दोस्त इसको मिलेंगे ना, अभी इसकी मुझे रिएक्शन देखनी है यार ये क्या करती है। मैं हमारे बड़े वाले दोस्त को ऐड, ओए भाई इसने जंप कर दिया पहले से। ओए ये देख ध्रुव कितनी खुश हो गई इसको देखकर। ये देख, तो चलो भाई अभी ये देख उसके घूम पीछे घूम रही है। अभी ये तीसरा वाला इनका दोस्त, जा भाई तू। होए होए होए, ये छोटी है, ये दोनों बड़े हैं और ये थोड़ी छोटी साइज की है। बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन हो गया। तो दोस्तों ओ भाई ये देख उसके पीछे घूम रही है यार। ये देखो यार दोस्तों, ये तो इसके पीछे ही बिल्कुल घूम रही है। ये तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे लगा कि भाई एक यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, बट ये देखो यार अभी तीनों साथ में घूमने लगी यार। वाह हाँ, शायद से मुझे ऐसा लगता नहीं, पहले एक दूसरे को पहचानती होगी इसीलिए ये। हाँ ये देख कितने अच्छे से रह रही है और ये अलग रह रहा है, ये छोटा है, ये दोनों साथ में रह रही है। मुझे ऐसा लगता है ना ध्रुव, एक ये भी लगता है कि यार ये मेल होगा और ये फीमेल होगी, तो इसी की वजह से ये साथ में रह रहे हैं। तो मुझे काफी सारे भाई कमेंट्स में कह रहे थे कि यार आपने आपके जो गप्पी फिश के बेबीज है उनका आपने अपडेट ही नहीं दिया यार, आपने एक बार छोड़ दिए भाई, उनका आपने दिखाया नहीं। भाई मैंने तो कितने बार आपको दिखाया यार फीडिंग वगैरह करते हुए, ठीक है। दोस्तों अभी ये इतने बड़े हो चुके हैं कि यार इनमें से मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो हमें आराम से समझने लगा है, ठीक है। ये देखो भाई इनकी टेल को कलर भी आ चुका है और यार ये और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो भाई ये ब्रीड भी कर सकते है, तो इसी की वजह से ये क्रॉस ब्रीड ना हो, तो इसी की वजह से हम क्या करने वाले है, मेल फीमेल हम साइड साइड में कर देने वाले है, ठीक है। सारे मिक्स ही रखेंगे, सिर्फ मेल और फीमेल हम एक अलग अलग कर देंगे, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्रॉस ब्रीड का। तो ये एक और ये एक टब में हम सारे गप्पीज निकालने वाले हैं और ये 1x1 के टैंक में हम सारे गप्पीज रखने वाले हैं और उनकी हम क्वालिटी देखने वाले, क्वालिटी वाइज हम इनको साइड साइड में कर देंगे। क्वालिटी मतलब यार मेल फीमेल का डिफरेंस, इसमें समझेगा ना यार। तो दोस्तों मैं अभी इस टब की हेल्प से सारे गप्पीज पकड़ता हूँ। ये देखो भाई अभी ये सारे फीडिंग लेने में आ गए और ये आ गए भाई। ये देखो कितने बड़े हो गए यार ये, हमने कितने छोटे बेबी छोड़े थे यार लास्ट मंथ। चलो 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 चलो, ओके इतने काफ़ी हो गए, बाकी नेट से पकड़ने के। पकड़ यार बहुत भारी हो गया यार ये, छोड़ दे यहाँ पे। ओके तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसी नेट की हेल्प से सारे गप्पीज में पकड़ लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ।
दोस्तों इस नेट की हेल्प से मुझे जितनी गप्पीज मिल सकी मैंने वो पकड़ ली और सारी पकड़ कर यहाँ पे ऐड कर दी। कितनी सारी गप्पीज है देखो यार, और भाई यहाँ पे और बहुत सारी गप्पीज है जो कि ग्रीन वाटर होने की वजह से वो हमें अच्छे से दिख नहीं रही है। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों टबों का पूरा पानी हम खाली कर लेंगे। खाली करने के बाद अभी जितनी मिल सकेंगे हम उतनी पकड़ लेते और सारी गप्पीज पकड़ कर वो वन बाय वन के टैंक में हम ऐड करते। भाई उसमें मैं पुराना वाटर भरा है, ठीक है, न्यू वाटर मैंने बिल्कुल भी उसमें नहीं ऐड किया। हाँ यार एक मिनट, पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास तो पांच टब है, पांचों टबों में हमने गप्पी के बेबीज बिल्कुल भी नहीं छोड़े थे, ये सिर्फ दो टबों में हमारे गप्पीज के बेबीज थे। वहाँ पे तो आपको पता है हमारे स्नेक गप्पीज है और यहाँ पे हमारे सारे मिक्स रेयर मॉलीज है और यहाँ पे है हमारे टक्सिडो गप्पी और मूनटेल मॉली। और जो गप्पीज के बेबीज थे ये दोनों टबों में थे, तो इसी की वजह से हम ये दो टब खाली कर रहे हैं। दोस्तों मैंने पूरा टब खाली कर लिया है और यहाँ पे देखो यार मुझे कितनी सारी फिश मिली है। तो सबसे पहले मैं प्लेकोज निकाल लेता हूँ क्योंकि ये बेबीज को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकती है। ये देखो यार कितनी क्यूट प्लेको है यार, ये इसकी साइज देखो, इसका पैटर्न भी देख सकते हो। और एक प्लेको है यहाँ पे, वही पकड़ लेते। ओ भाई दो है यार यहाँ पे दो, ये देखो यार ये एक मिल गई और एक, ये देखो यार ये और एक है, और एक है यार यहाँ पे, ये देखो तीन प्लेकोज है। मैंने तीन तीन छोड़ी थी, हाँ यार मुझे अभी याद आया। ये देखो इनकी क्वालिटी देखो। और ये जो कचरा है ना दोस्तों, ये सारा कचरा हमारे ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के जो सूखे हुए पत्ते ये नीचे गिर जाते, तो इसी की वजह से यार ये कचरा हो जाता है। देखो यार कोई नहीं, चलो अभी तीनों शकर्स को मैं, तो दोस्तों ये वाला जो हमारा हॉस्पिटल टैंक है ना ये खाली है यार, तो ये तीनों प्लेको में यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तीनों की तीनों यार हेल्दी प्लेकोज है यार, पूरी हेल्दी है यार। चलो भाई यहाँ पे थोड़ी देर रहना यार तुमको, फिर से मैं आपको बेबीज के साथ शिफ्ट कर। दोस्तों मुझे यहाँ पे बहुत सारे एप्पल सेल के भी बेबीज नजर आ रहे, तो ये भी देख सकते हो, ये भी अच्छे हो गए। हमने इनको यहाँ पे छोड़ा था कुछ दिनों पहले, वो छोटे छोटे थे, एलिगेटर गार से टैंक में बहुत सारे छोटे बेबीज थे तो इनमें हमने छोड़ा था। तो आप इनका भी अपडेट चेक कर सकते हो कितने बड़े हो गए यार ये, ये देखो इनकी साइज कितनी क्यूट हो गई है। ओके और यार मैं सारे निकल लेता हूँ यहाँ से। हो यार दोस्तों मैंने यार यहाँ पे यार ये चीज़ देखी यार, ये भी चीज़ है यार यहाँ पे, ये देखो मतलब यार ये हमारे सारे पॉन्ड में यार ड्रैगन फ्लाई से लार्वे, ये देखो यार तो बड़ी दिक्कत है यार हमें, ये देखो भाई कितने बड़े ये है। शिट यार मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते यार ये। तो दोस्तों मुझे कुछ यहाँ पे हमारे बैलून प्लैटर्स के बेबीज भी मिले हैं, तो मैं इनको भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। जाओ जाओ जाओ, बैलून प्लैटर यार मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों ये वाला एक तो टब हमने क्लीन कर लिया, अभी ये सेकंड वाला टब भी देखना है भाई इसमें क्या अभी कितने बेबीज निकलते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर ही ये इतने कीड़े हैं, ये देखो आपको दिख रहे होंगे ना, ये देखो कैसे भग रहे, ये देखो ये देखो ये देखो आगे आगे आगे, ये देखो पता नहीं यार ये यहाँ पे कैसे आ जाते हैं यार, टेरेस पे पौंड रखा है तभी भी कैसे आ जाते हैं यार यहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत और मेरी दुश्मन यार ये वाली स्नेल यार, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती यार, ये बहुत ज़्यादा गंदगी करती है यार। ये देखो ये वाइल्ड स्नेल है यार, कैसे मतलब कैसे यार हमारे यहाँ पे इतने ब्रीड कर रही है, इतने सारे है भाई ये सारे, मतलब हमारे जितने भी डेजी फिश में जितने भी पॉन्ड है ना सबके सब में ये स्नेल आपको दिखेगी ही दिखेगी यार। ये कहाँ गई यार, ये देखो ये देखो ये इतने सारे बेबीज हैं इनके, छोटे 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 से लेकर बड़े तक हमारे पास पूरे भर के भरे हुए यार। दोस्तों सेम प्रोसेस दूसरे टब के साथ हमने किया और उसमें से भी हमारे तीन शकर और बहुत सारे कीड़े निकले और कुछ मछलियां निकली जो कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट की। अभी सारी फिश में इस वाले टैंक में शिफ्ट कर देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं हमारी एप्पल स्नेल यहाँ पे छोड़ता हूँ, देखो यार टुबुक और ये सेकेंड वाली। तो चलो भाई अभी आप सबकी बारी, तो चलो इनको भी मैं छोड़ देता हूँ। ये गई दोस्तों हमारी सारी एप्पल स्नेल। तो दोस्तों मैं हमारी सारी अभी गप्पी यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ और ये देख सकते हो, ओ भाई साहब कितनी क्यूट लग रही है यार ये, ये हमारे इधर डेजी फिश की होम ब्रीडेड गप्पी फिशेस के बहुत सारे बेबीज हैं। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, क्लोजअप शॉट ले भाई थोड़ा, ये देखो यार पता नहीं ये डर रही है क्या इनको हो गया, बट ये पूरे टैंक में अभी एक ही कोने में जा रही है। दोस्तों इसमें हमारी फाइव वैरायटी की गप्पी फिशेस है, टक्सिडो गप्पी, स्नेक गप्पी और कौन सी ध्रुव डम्बो ईयर प्लैटिनम और कौन सी चिल्ली मोज़े, ऐसे पांच तरह की अलग अलग गप्पीज है और एक रेगी यार मेटालिक ब्लैक, पता नहीं छह होंगी, छह या सात होंगी। ये देखो यार कितनी क्यूट लग रही है यार ये, वाओ सुनना भाई
ये जो गप्पी है ना हम मेल फीमेल सेपरेट कर देते हैं क्योंकि धूप बढ़ने लगी है यार। मैंने सोचा ही नहीं। तो ध्रुव मैं क्या बोल रहा हूँ, टब यार जल्दी जल्दी भर देते हैं पहले। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों टबों में वाटर भर देते हैं और इस टब में हम हमारे मेल गप्पीज रखेंगे और इस वाले टब में हम हमारी फीमेल गप्पीज रखने वाले हैं। दोस्तों ये पूरी हमारी गप्पीज रहेंगी 15 डेज तक, ठीक है। आज से काउंट करना स्टार्ट कर दो, 15 डेज के बाद हम इनको फिर से शिफ्ट करने वाले हैं। मतलब जो फीमेल वगैरह बड़ी हो जाएंगी तो हमें कौन सी ब्रीड की कौन सी है तो उस मेल के साथ वो फीमेल हम रख देंगे साइड वाले टेरेस पे। वो भी सेटअप हमें जल्दी जल्दी करना है। तो इसे पकड़ना यार, बहुत ज़्यादा भारी आ रही है। तो दोस्तों हमने हमारे दोनों टब उनके जगह पे शिफ्ट कर दिए और कितने क्लीन लग रहे हैं बाकी टबों से यार। बाकी टबों का भी पानी हमें चेंज करना होगा ध्रुव भाई। हाँ भाई तूने क्लीन किया, थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू। चलो यार दोस्तों मैं अभी क्या करता हूँ, हमारे ये दोनों प्लांट्स, मेरे फेवरेट वाला प्लांट और ये भी मेरा फेवरेट वाला प्लांट, हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते और इसमें से देखो भाई हमने पूरा क्लीन किया है और कितना कचड़ा निकला है। कचड़ा मतलब ये सारी घास है, इतनी सारी घास यहाँ पे निकली है और ये हमारे स्नो और ब्लैकी के लिए अच्छा काम करने वाली है। तो दोस्तों पहले जैसे हमारा ये सेटअप हो गया, ये देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है यार, ऐसे ऐसे इतना अच्छा लगे तो भाई मैं तो भाई देखो यार सारे टब का ही सेटअप करूंगा भाई पूरे टेरेस पे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार ये देखने में। तो मैंने यहाँ पे वाटर पॉपी भी, ध्रुव मैं क्या बोल रहा है यार इसमें कीड़े नहीं ना यार, ये देख यार स्नेल है ना यार, मुझे यही टेंशन है यार। यहाँ पे ना दोस्तों स्नेल हो जाती है, स्नेल बहुत ज़्यादा गंदगी करती है यार पानी को, क्या करूँ यार इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी सबसे मुश्किल काम मतलब यहाँ से हमें मेल और फीमेल निकालने हैं, ठीक है। तो चलो यार अभी हमें जितने मेल लग रहे उतने फीमेल लग रहे हम इनको सेपरेट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं अभी यहाँ से फीमेल निकाल लेता हूँ पहले, ये देखो यार ये तो चारों फीमेल है, ये देखो। दोस्तों ये मैंने सोचा भी नहीं था यार हमारे साथ ऐसा होने वाला है। ये आप जितने भी दिख रहे हो ना ये सारी फीमेल गप्पीज है और उसके ही साइड में है दोस्तों 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 मेल निकले हैं यार इतने सारे गप्पीज में से। और ये जितने भी अभी आप टैंक में देख रहे हो ये इतने छोटे हैं ना दोस्तों, इनको पहचानना बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो रहा है। तो हमने सोचा कि यार ये सारे जितने भी बच्चे हम मेल के साथ ही रख देंगे और हम फीमेल सेपरेट ही रखेंगे ये सारे के सारे। तो दोस्तों वहाँ पे रहेंगे हमारे सारे मेल गप्पीज और यहाँ पे रहेगी हमारी फीमेल गप्पीज। तो चलो भाई इनको मैं अभी छोड़ देता हूँ, जाओ 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 जाओ। ये गई दोस्तों हमारी यहाँ पे सारी फीमेल गप्पी, ओए एक रहेगी, जाना भाई क्या कर रही है। ओके तो यहाँ पे रहेगी हमारी फीमेल गप्पीज और यहाँ पे रहेगी मेल गप्पीज और सारे बेबीज यहाँ पे रखेंगे हम वो वाले। तो हाँ ओके 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 ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी सारी गप्पी छोड़ दी। ओए वाटर पॉपी के ऊपर नहीं आया ना ये, तो पानी सब खराब हो जाएगा। दोस्तों अभी हो चुकी है इवनिंग यार, हमारे जो रैबिट्स है ना दिन भर के हमारे पिजन के किच के अंदर ही यार इनके साथ ही एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो भाई खास लो, चलो स्नो ब्लैकी आज, ओ भाई ब्लैकी यार काटती यार ब्लैकी तू तो, चलो खा लो खा लो खा लो। पिजन के बेबीज के साथ बड़े ही दोनों अच्छे रह रहे यार, ये देखो ये दोनों यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पे। ये बाकी बची हुई घास में हमारे बजीज को देता हूँ, बजीज बड़े शौक से खाते यार ये वाली घास। देखो मैंने अभी इनको खाना दे दिया और ये सारे घास खाने के लिए अभी आ जाएंगे नीचे। चलो भाई ये भी खा लो, बाजर भी बड़ा पसंद से शौक से खाती है ये। और दोस्तों हमने आज हमारे कोई फिश का जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया। तो अभी ये शांति बैठी यार मॉर्निंग से, मैं देख रहा हूँ इनको, ये देखो बहुत ज्यादा एक्टिव है यार, ऐसे हाथ टच करने से देखो यार कितनी ज्यादा एक्टिव है यार। और दोस्तों हमारे मिल्की कोइश के लिए हम और साथी लेके आएंगे, पता नहीं यार और साथी ऐड करने से ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम और साथी इनके लिए लेके आने वाले। और दोस्तों हमारी यहाँ पे गोल्ड गैंग हुआ करती थी, ठीक है। तो मैं पेट शॉप जाकर ये गोल्ड फिश के लिए और साथी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 ब्लैक गोल्ड है, ये वाला गोल्ड है और ये वाला गोल्ड है, कुल मिलाकर हमारे पास 4 गोल्ड फिश है, ठीक है। तो गोल्ड फिश भी हमें ऐड करने हैं पहले जैसे, ठीक है यार। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ और आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।